इसका मकसद ये है कि इस सीरीज का जो मैंने आगाज किया है, इसमें मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मैंने प्लान किया कि मैं उनसे एक इंटरव्यू करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझने की कोशिश भी करूंगा, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी हम एक मैसेज देंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के आगाज से ही मतलब बड़े अच्छे हमें एंटरप्रेन्योर्स मिले, इंडिया से भी हमारी बात हुई, बांग्लादेश से भी हमारी बात हुई, भागलपुर और मतलब बात हुई, अब आज आप हमारे मेहमान हैं, मैं ना तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हों वो आपको जान पाए, ताकि हम अपनी बात को आगे आगाज कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैंने बहुत अच्छे से काम किया इस फील्ड के अंदर। मेरा जो बेसिक रिसर्च फील्ड है, अभी भी मैं डॉक्टोरल स्टडीज कर रहा हूँ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर, तो बिजनेस साइकोलॉजी के हवाले से मेरा ज्यादातर काम है। मेरी 3 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। एक मेरी जो बुक है वो स्पेसिफिकली साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के ऊपर है, जो वंडरफुल बेसिकली पर्सनैलिटी टाइप्स के ऊपर रिसर्च करती है। और ये रिसर्च आज से तकरीबन 100 साल से हो रही है, और होमिसाइड के बाद ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैलिडेटेड और लॉन्ग रन रिसर्च है। उसके अलावा मेरी एक ट्रैवल बुक है, अभी मेरी 1 हफ्ते पहले एक बुक पब्लिश हुई है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। ज्यादातर मेरा काम एज ए कोच कंसल्टेंट है। उसके अलावा मैं राइटर भी हूँ, बेसिकली काउंसलर भी हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज सब साइकोलॉजी है, तो जिसके अंदर मैं सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक फील्ड है उसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप के साथ मैंने काफी काम किया, यूनाइटेड नेशंस के साथ मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता रहा, तो मेरी एक्सपर्टीज ज्यादातर इन्हीं फील्ड्स के अंदर यूज होती है, फ्रीलांसिंग के अंदर, कि टू फाइंड आउट द पोटेंशियल इन पीपल, आइडेंटिफाई देम एज अ फिट पर्सन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और थिंग्स लाइक दिस। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बाकी मेरी वेबसाइट है वो बेहतरीन। मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा मिन्हाज भाई, आपसे जब बात हो रही थी मेरी पहले भी, तो आपने शेयर किया था कि आपकी स्टडीज थोड़ा सा भी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी का इशू आ रहा है, वो आपकी आवाज दिमाग में चली गई थी, सॉरी। मैं ये कहता कि जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने शेयर किया था कि आपकी स्टडीज जो है वो जर्मनी से भी रही, और उस दौरान आपने विकिपीडिया पाकिस्तान के हवाले से आपने कोशिशें की, और आप उन चंद फाउंडर्स में से हैं जो विकिपीडिया पाकिस्तान को लॉन्च करने वाले हैं। तो थोड़ा सा उस हवाले से मैं थोड़ा सा डिटेल बताएं ताकि बच्चों को पता चल सके कि विकिपीडिया के बारे में भी और विकिपीडिया पाकिस्तान के बारे में भी और आपकी एफर्ट के बारे में भी। इसे किस तरह कि 2009 के अंदर मुझे एमएस प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिला स्वीडन के अंदर, तो मैंने एमबीए यहाँ से कंप्लीट किया। इसके बाद मैं टाइम और में काफी ऐसे जॉब करता रहा हूँ कॉल सेंटर्स के अंदर। तो 2009 के अंदर आई वेंट टू स्वीडन, तो वहाँ से मैंने अपना एमएस का प्रोग्राम कंप्लीट किया मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर। तो जो मेरी स्पेशलिटी थी उसके अंदर वो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कल्चर, और साथ जर्मन लैंग्वेज एज माइनर कोर्सेज है। उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का काफी मौका मिला थ्रू आउट माई स्टडीज, तो मैंने यूरोप के 20 से 25 स्कूल में ट्रैवल किए। उसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स में गया, इंटरेक्शन हुई, सीईओ से मेरी मीटिंग्स होती थी ड्यूरिंग फ्री एंड ब्रेक असाइनमेंट हुआ करती थी। और मैं उससे पहले काम करता रहा हूँ, मार्कअप लैंग्वेज होती है बेसिकली, विकिपीडिया के आर्टिकल नया लिखना चाहते हैं तो सोर्स कोड होता है, चैनल नाम से पेंडिंग काफी काम किया उसे, और मैंने स्टार्ट किया और विकिपीडिया के बाद एजुकेटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए, कॉपीराइट के बगैर आपकी जो
तो सर ये फ्रीलांसिंग के बारे में अगर आप हमें बताएं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, और एज अ स्टूडेंट जो बहुत सारे बच्चे जो बीएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वो इस बिजनेस को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं और कैसे वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीलांसिंग, या उनके कौन से ऐसे स्किल सेट पर काम करें कि वो फ्रीलांसिंग का हिस्सा बन सकते हैं, इस हवाले से अगर आप मुझे बताएं आप। एक कॉन्सेप्ट है क्या फ्रीलांसिंग का और किन लोगों को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। बेसिक मैं फ्रीलांसिंग मैंने तो आई थिंक ये 2000 से स्टार्ट कर दी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो आई यूज्ड टू टीच पीपल, तो मेरे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर थे। मैं प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ वर्डप्रेस की, इसके अलावा कोडिंग लैंग्वेजेस मुझे आती है, थोड़ा मैं राइटिंग आर्टिकल राइटिंग की तरफ मेरा काफी रुझान था। तो इन सब चीजों को जब मैंने इकट्ठा किया तो मैं सोचा था कि अब मैं किस तरह से स्किल्स को मोनेटाइज करूं। तो उन दिनों में वेबसाइट आज कल आपको ओडेस के नाम से हुआ करती थी, उन्होंने अपना नाम के तो वहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, अपने जो स्किल्स हैं उनको डाला, उनके कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं ताकि वो आपकी रेडीनेस शो करें कि आपके बिजनेस में भी चाहिए कि नहीं। तो मैंने टेस्ट लिए क्योंकि मुझे वहाँ से प्रोजेक्ट आने शुरू हुए, तकरीबन 15-20 साल में काम कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बेसिकली मैं आइडिया देना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, वो ये है कि क्योंकि हमारे कुछ कौमी मिजाज इस किस्म का कि अगर एक तरफ कहीं से कोई फैशन चल पड़े तो सारे ही उसके पीछे चल पड़ते हैं, बजाय ये सोचे कि मेरी पर्सनैलिटी इसके लिए मैच करती है या नहीं करती। तो चूंकि मेरी रिसर्च पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के हवाले से है, अपने डिफरेंट ट्रैवल्स के दौरान मैंने ये देखा, तो मैं रिसेंटली तो युगांडा और रवांडा डिफरेंट स्कूल में गया, मैंने किया उनके साथ इंटरेक्शन किया, जो भी एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा है। तो सबसे नतीजे से मैंने रिसर्च है इसके हवाले से मैंने एक मुझे पहुँचा कि जरूरी नहीं कि आज तक हर काम एंटरप्रेन्योरशिप एक पैशन के तौर पर अगर आप लें तो ये शायद आपकी पर्सनैलिटी के लिए मैच ना करें। मैं आपको जो साइंटिफिक एविडेंस के हवाले से थोड़ा बता देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा ड्रॉप हो गया था। तो साइंटिफिक एविडेंस जो है ये सजेस्ट करता है कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी समझनी चाहिए कि आपके अंदर नेचुरल गिफ्ट्स हैं क्या, नेचुरल टैलेंट्स हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये इंटरेस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग का होता है कि बेसिकली आपके गिफ्ट हैं क्या। तो पांच स्केल्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले ओपननेस है, कॉन्शियसनेस है, एक्सट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस है और न्यूरोटिसिज्म। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एग्रीएबल ओपननेस सबसे पहले कि आप क्रिएटिव कितने, ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर आप कोई क्रिएटिव पॉसिबिलिटी ढूंढते आप लोगों से कितना हार्ड के थोड़ी। कॉन्शियस ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, इसी तरह सही के अंदर है कि आपको लोगों से मिलना कितना पसंद है, नेटवर्किंग कितनी पसंद है, इस टाइप की चीज है। एग्रीएबलनेस के अंदर आप मिलनसार कितने हैं, कोऑपरेशन कितने करते हैं, कंपेटिटिव तो नहीं है, आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले रखते हैं, लोगों का ख्याल पहले रखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है। न्यूरोटिसिज्म के अंदर ये है कि आप स्ट्रेस कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। पांच के अंदर डिफरेंट स्केल होते हैं, 0 से लेकर 100 तक जो है ना एक स्केल होता है। जब आप टेस्ट लेंगे तो आपसे आपका कंट्री पूछेंगे, आपका एज ग्रुप पूछेंगे, और उस एज ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर आपका ओपननेस के अंदर स्कोर 50 है, इसका मतलब है कि आप 50% लोगों से जो आपकी एज आपकी कंट्री में रहते हैं ज्यादा क्रिएटिव। तो जब आप ये टेस्ट लेते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनैलिटी की अपनी गिफ्ट का पता चलता है, टैलेंट्स का पता चलता है और उसके मुताबिक ही इंसान को अपना करियर चूज करता है। अब फोर्टून 500 कंपनी दुनिया की 500 बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके अंदर मैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर किया, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की, मैंने स्टॉकहोम में अमेरिकन में जॉब करता था, वहाँ पे बड़ा रिग्रेस टेस्टिंग सिस्टम। तो वहाँ पे ये टेस्ट आपको पहले देते हैं जॉब से पहले ताकि आपकी पर्सनैलिटी
कर सकें कि वो आया कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इंटरेस्ट हैं जो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, आउट गोइंग एक्टिविटीज आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, फिजिकली एक्टिव जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको एक बैंक की सीट दे दी जाए कैशियर, मतलब ये आपके लिए जो ना सारी जिंदगी के लिए एक मसला बन जाएगा कि मतलब आप वो चीज कर ही नहीं पा रहे जो आपके अंदर गिफ्टेड है, जो आप चाहते हैं करना। आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद यही इशूज बड़े हो के साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम तब्दील हो जाती है, यानी आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, आपको रिलैक्सेशन पिल्स खानी पड़ेंगी, मूड स्टेबलाइजर्स खाने पड़ेंगे। इससे बेहतर यह है कि आप आज के दिन में अपने आप को समझें और उसके मुताबिक डिसीजन करें। एंटरप्रेन्योरशिप माशाल्लाह बहुत लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, बड़े सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली माजर के साथ मैं ये चीज बड़ा फील करता हूँ कि लोगों को ये आइडिया ही नहीं कि वर्ड इटसेल्फ का मतलब क्या है। बेसिकली वर्ड ही फ्रेंच लैंग्वेज का है, एंट्रे बेसिकली इसका मतलब कहते हैं इन बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान जो है ना एंट्रे। अगर आप किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाएं वो जो आपको खाने में से पहले जो सैलड स्टार्टर लेके आएंगे उसको बेसिकली एंट्रे कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर इज समवन हु एक्चुअली टेक समथिंग ऑन, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये अपनी नॉर्मल जॉब और घर की लाइफ के दरमियान जो बंदा कोई तीसरी चीज स्टार्ट करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मनी मेकिंग कोई एक्टिविटी हो। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जहाँ पे आप लोगों की लाइफ के अंदर ला सकते हैं, कम्युनिटी वर्क। तो जो भी शख्स कोई तीसरा एडवेंचर स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर। तो उसके हवाले से मैंने 2011 में ये स्टार्ट की थी जब मैं अपना मास्टर्स का थीसिस लिख रहा था। मैंने एक जर्मन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, स्वीडिश कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर यूएस के अंदर मैं जो सेंटर फॉर एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी टेस्टिंग है उनके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उसको जब मैंने मिला के अपना थीसिस लिखा तो मैं आई थिंक पाकिस्तान में वो आई शख्स था जिसने सबसे पहले पर्सनैलिटी टेस्टिंग के ऊपर जोड़ दिया। इसके बाद मैंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पार्टिसिपेट किया, सेमिनार्स में मैंने लिखा, और अब ये फील्ड आके हम इतना मैच्योर हुआ कि एटलीस्ट कैरियर काउंसलिंग में हम ये बात समझते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आई हैं पाकिस्तान के हवाले से, बड़े शॉकिंग 8% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तकरीबन 20 मिलियन लोग बनते हैं, उनको किसी किस्म की हेल्थ केयर की सर्विस चाहिए। पाकिस्तान का हेल्थ सिर्फ 2.4% जी डी पी का जाता है हेल्थ में, और उसका भी सिर्फ 2% है मेंटल हेल्थ की तरफ। और इसके अलावा इसके बाद भी अगर आप ये 2% लगा भी दें तो कोई डॉक्टर ही नहीं है क्वालिफाइड जिन्होंने कैरियर काउंसलिंग में कुछ काम किया हो या बिजनेस साइकोलॉजी में कुछ काम किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी एफर्ट किया उसे ये तो हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से लोगों को ये समझ आ गई है कि पहले आप अपने आप को समझें, पहले अपने अंदर को रीड करें, उसके बाद आप बाहर जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं जरूर जाएं, उसके बाद आप जॉब में चाहते हैं जॉब में जाएं, लेकिन प्लीज़ पहले अपने आप को जरूर समझें। लाइफ में कम अज़ कम अपने साथ ये ज्यादती ना करें कि आप किसी के कहने के ऊपर अपनी लाइफ। वंडरफुल, बेहतर हो गया। तो आप ये समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपकी, आपकी जो खूबियां हैं उनको आप पहले जरूर जज करें। जी बिल्कुल, ऐसे ही है किसी भी काम करने के लिए। अगर आपके टैलेंट्स मैच नहीं करते आपकी जॉब से, या आपको वो काम करना एक बोझ लगता है, काम में मजा नहीं आता, आप कुछ नया नहीं सोचते, तो मेरे ख्याल से वो जॉब आपके लिए बजाय सहूलत बनने के वो आपके लिए स्ट्रेस का जरिए। तो प्लीज वो काम करें, किसी से आप मशवरा करें, या अपना ऑनलाइन स्टडी करें, या जैसे भी करें। आज के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का भी, मेरे पास जितने लोग आते हैं बिजनेस साइकोलॉजी में मैं काम करता हूँ डिफरेंट सीईओस के साथ, डीजीज के साथ, उनके पर्सनल इंटरेक्शन मेरे साथ होता है, तो ये सारे इश्यूज है। मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंदर पेश बाहर ऐसे केसेस हैं, आप ध्यान रह जाते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी से ये रिजल्ट कितना से रेप्लिकेट हो रहे हैं। ये एक फैक्टर कॉमन है तमाम एंटरप्रेन्योरशिप को समझ लेना चाहिए कि अगर आपको जॉब करनी है तो आपको दूसरों से ज्यादा अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको दूसरों से ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। 70-80 hours आपने अपने बिजनेस के अंदर देने हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर रिसेंटली इंटरव्यू किया, यूएस हमारे एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने 5 कंपनी ई कॉमर्स की बनाई, मल्टी मिलियन डॉलर
कंपनी थी उनको सर्व किया, लेकिन आपके पास ना अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम होता है, घर के लिए टाइम होता है, इट विल टेक इट टोल ऑन योर रिलेशनशिप, ऑन योर फैमिली, ऑन योर करियर। इतनी काम नहीं आते तो आप ये हैंडल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ सोचिए इसके बारे में। अच्छा मिनाज भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मैं, कि अगर कोई बच्चा या कोई ऐसा बंदा जो समझता है कि वो बिजनेस कर सकता है या वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो उसके अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए तभी वो एक कामयाबी तरफ जाएगा? अदरवाइज अगर वो ये समझता है तो जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, तो अगर कम अज कम वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो समझते हैं कि बहुत जरूरी है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मैं तो जी जो भी बात करूंगा साइंटिफिक स्टडीज के हवाले से करूंगा, स्टैटिस्टिक्स से करूंगा और कंक्रीट बात करूंगा। मुझे आदत नहीं है कि मैं आपको जल्द मोटिवेशन टॉपिक दे दूं और हर बंदे को कहूंगी वो हर काम कर सकता। बेसिकली जो हमारे पास स्टडीज हैं पिछले लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हैं, पिछले 20-30 साल से, 50-60 साल से स्टडीज हुई हैं लोगों के अंदर, पर्सनैलिटी असेसमेंट पब्लिश हुए हुए हैं रिसर्च के अंदर, कि उनका स्कूल में लिया गया पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बाद उनका जॉब में पर्सनैलिटी टेस्ट लिया गया, फिर बूढ़े होते हैं उनका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया गया, तो तकरीबन 40-50 साल की हमारे पास रिसर्च है, वेरी वैलिड एंड रेप्लिकेबल रिसर्च। उसके अंदर शो ये होता है कि अगर तो आप एंटरप्रेन्योरशिप हैं तो सबसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, आपके जो स्कोर न्यूरोटिसिज्म के ऊपर है बहुत कम होना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपके अंदर नेगेटिव इमोशन बहुत जल्दी आते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं है, आप नुकसान उठाना सीखे, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, आपके अंदर एक टेम्परामेंट नहीं है लॉन्ग टर्म चलने के अंदर, तो ये आपके बड़ा नेगेटिव साइन है कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कुछ कोई चीज कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, आपका पैसा डूब भी सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपका मार्केट में प्रोडक्ट चल नहीं सकता, क्रिएटिविटी आपकी अगर है भी सही तो उसको मार्केट में नहीं करना है। और एक बात याद रखिए कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर ये सोचते हैं कि ओपननेस जो ट्रेट है, अगर उसके अंदर जो न्यूरोटिसिज्म अगर आपके अंदर रीजनेबल स्ट्रेस टॉलरेंस है तो आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको हमेशा काउंटर पार्ट चाहिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसी से आप बड़ी बड़ी कंपनी देख लें, गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, इनके सब के अंदर दो दो पार्टनर होते हैं, एक जो टेक्निकल साइड पे अच्छे होते हैं और एक जो बिजनेस साइड के ऊपर अच्छे होते हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसा बनना जो आपका काउंटर पार्ट है, जिसके पास वो गिफ्ट हैं जो आपके पास नहीं है, वो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा या किसी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा अकेले कोई काम नहीं कर सकते। दूसरे जो रिसर्च से साबित हुआ वो ये है कि आपकी एक्सट्रोवर्जन बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, आपके अंदर लोगों से मिलना मिलाना सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आपको किताबों में, लिटरेचर में, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश करें कि आप इस फील्ड के अंदर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि आप बेसिकली यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और ये जो ट्रेड्स हैं जॉब के लिए ज्यादा सूटेबल है बजाय ये एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी और प्रोजेक्ट का ख्याल अगर आता है, वो छोड़ के दूसरे में लग जाते हैं, दूसरे के बाद तीसरे में लग जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू। रीजनेबल कॉन्सेंट्रेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि आप आपका आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए, अगर आप क्रिएटिव हैं तो कोई आप ऐसा आइडिया सोचते हैं जो कहीं पे पहले इस्तेमाल ना हुआ। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर क्रिएटिविटी कोई ना कोई आइडिया किसी भी वक्त पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है, आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल होता मिल जाएगा। अगर बेसिक रिसर्च करें, इंडिकेटर्स वगैरह निकालें डिफरेंट कंट्रीज के, और ऑनलाइन फोरम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, रेडिट के फोरम्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट आइडिया आपको अपना पर्सनल एनवायरनमेंट भी स्कैन करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सारे आइडियाज आपकी सोसाइटी में एप्लीकेबल भी हो। अब एक आइडिया उबर या क्रीम का आइडिया था, मतलब पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन रिसेंटली उसने आइडिया आया और बहुत जबरदस्त तरीके से रैपिड हुआ, लोगों ने कैपिटलाइज किया उसके ऊपर। इस तरह से आपको नीच कि आपका जो क्रिएटिव आइडिया वो टाइम के ऊपर इस्तेमाल हो सकता नहीं हो सकता। वॉरेन बफेट का एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आपने शादी कर भी ली है तो आपको फिर भी बच्चों के लिए 9 महीना इंतजार करना ही पड़ता है। तो कुछ आइडियाज अगर आपके पास हैं भी सही क्रिएटिव, तो उनके लिए सबर चाहिए होता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका अच्छा आइडिया होता है भी जरूरी नहीं है कि वो चल सके, वो उसके लिए खास टाइम और रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है। फाइनली जो आपकी ट्रेड एग्रीएबलनेस
और ये बात काफी लोग सुन के शॉक भी होंगे, लेकिन रिसर्च एविडेंस है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इसके अगेंस्ट में क्या बोलूं। अगर तो आप बहुत ज्यादा मिलनसार हैं और सेक्रीफिशियल हैं, लोगों के साथ कोई पानी देते आपका एक हार्मनी आ गया, आप प्रॉबेबली कभी अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। वो इस वजह से अच्छा क्योंकि आपको बड़े टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन आप ग्राउंड फैक्ट उठा के देख लें, आप सैमसंग को देख लें, हुआवे को देख लें, एप्पल को देख लें, इनके लॉ सूट सारा साल चलते रहते हैं। मतलब एक झगड़ा खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ, इनके लॉयर्स कोर्ट में हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो इस अगर आप हायरार्की के टॉप पे पहुंच जाते हैं ना, आप सीईओज हैं, वीपीज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप किसी भी अदारे के चेयरमैन हैं, तो आपके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि आपके ऊपर ये एग्रीएबल होने का टाइम ही नहीं होता आपके पास। अगर आप एक को खुश करते हैं तो दूसरे नाराज हो गए, दूसरे को खुश करते हैं तीसरे को नाराज करना पड़ता है। तो इस सारी पॉलिटिक्स के अंदर जो ना आपको बड़ा टफ माइंडेड होना पड़ता है। और उसके बाद इश्यूज ये है कि अगर आप फैक्ट्स देखें दुनिया के अंदर 3 लोगों का, और ये बड़ी एक सैड सिचुएशन है कि मैं आपको स्टेटिस्टिक बता दूं, जितने भी सीईओज हैं अगर आप उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइल देखें, 50 साल 55 साल से उनकी एज ज्यादा है, सिंगल है, डिवोर्स है, उनके बच्चे हैं लेकिन उनके साथ उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उनका जो ज्यादातर टाइम है कोर्ट रूम में गुजरता है, वीक में 70 से 80 घंटे वो काम करते हैं, वेकेशन सर नहीं आप होते तो डराना शुरू हो गए। जी एग्जैक्टली मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए इंसान को अल्लाह तआला ने लाइफ के अंदर ना डिफरेंट चॉइसेस दी है, ठीक है। अगर आपका मिजाज इस किस्म का कि आप बगैर किसी की परवाह किए बगैर काम कर सकते हैं और आपका पर्सनल लाइफ मैटर नहीं करती, आपके लिए सब कुछ आपका काम है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कहोलिक, अगर आप ये हैं तो मोस्ट वेलकम, यू शुड डू इट। अल्लाह तआला ने हर किस्म का बंदा बनाया हुआ सोसाइटी के अंदर ताकि वो डिफरेंट प्रोफेशन को अडॉप्ट करे और डिफरेंट तरीके से चले, लेकिन हर चीज के फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। अगर आपको एक सुकून वाली जॉब चाहिए जिसके अंदर आप लोगों का ख्याल कर सकें, अच्छा फील कर सकें, आपके पास ज्यादा टाइम हो पर्सनल लाइफ के लिए, फाइन यू कैन डू टीचिंग एंड नर्सरी एंड थिंग्स लाइक दिस। लेकिन अगर आप वर्क के सीईओ बन जाते हैं तो आपको बहुत टफ होना पड़ता है, मतलब आपको लोगों का जो ख्याल है और जो कॉमेंट्स हैं उनको साइड पर रख के लॉजिकली सोचना। तो ये कहते हैं कि आपके गिफ्ट जो है ना वो ही आपका जो ना पॉइजन भी होता है, तो आपको खुद ही चूज करना कि आपने लाइफ में चलना क्या। लेकिन प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है और ये मैं स्पेशली आपके चैनल के थ्रू मैसेज दे रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स मुझे इस तरह से मिलते हैं, पर्सनली लोग आते हैं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि काइंडली कोई ऐसी प्रोफेशन, कोई स्टडीज, कोई रिलेशनशिप, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है, अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट चूज मत करें, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा कि ओवर द टाइम ये कितना बड़ा मसला बन जाए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि जो ड्रग्स की तरफ चले गए हैं इसी पेरेंट्स करना कुछ और चाहते थे लेकिन पेरेंट्स के कहने पे, सोसाइटी के कहने पे कुछ और, 20 साल बाद जब उनके फैमिली भी हो गई लेकिन वो वो ऐसा नहीं करते, इसी तरीके से फिर वो टॉलरेंट स्ट्रेस रेजिस्टिंग डिजीज वो यूज कर रहे हैं, ड्रग्स यूज कर रहे हैं, इसके अलावा मूड स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है ड्रग्स के अराउंड, तो ये इजीली आपको दवाइयां मिल जाती हैं, बाहर के मुल्कों में आप ये दवाइयां मेडिकल स्टोर से ले नहीं सकते। आजकल आपको शायद पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मना किया, और स्पेसिफिकली ये याद रखें कि एक जो स्लीपिंग ड्रग है वो एक बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है, और ये अनफॉर्चुनेटली ली भी जाती है, मेडिकल अंदर लोग ले भी जाती है, ड्रग मत यूज करें, आपको इसके साइड इफेक्ट्स का नहीं पता, ये बहुत एक एडिक्टिव किस्म की ड्रग है, और उसके बगैर आपको फिर नींद नहीं आती, और स्लीपलेसनेस बहुत बड़ा एक इशू। तो ये अब मुख्तसर टाइम में मैंने आपको ये बता दिया कि एटलीस्ट जो है ना आप इन अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ध्यान में रखें जब आप कोई डिसीजन करें। अच्छा सर एक और चीज़ बड़ी मशहूर हुई पिछले दिनों जब केस स्टडी आउट हुई स्टीव जॉब्स की, मार्क जुकरबर्ग की और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स की, तो उस पर एक बड़ी कॉमन चीज़ थी कि वो फेलियर्स थे, कॉलेज में फेल हुए, स्कूल में फेल हुए, यूनिवर्सिटी में फेल हुए। तो जितने भी निकम्मे बच्चे थे या वो बच्चे जो कि अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम भी स्टीव जॉब बन जाएंगे, हम भी मार्क जुकरबर्ग बन जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए क्या मशवरा आपका? वो स्टडीज को अब छोड़ के स्टडीज को टाइम नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि वी आर एंटरप्रेन्योर, अगर वो निकम्मे तो हम भी निकम्मे। तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, और क्या एजुकेशन इम्पोर्टेंस नहीं रखती अगर आपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है? देखिए जी आप तो पेरेंट्स
से जो है मेरा झगड़ा करवाएंगे। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि वाकई ऐसे ही बच्चे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, क्योंकि एक रिसर्च अगर आप उनका ब्रेन स्कैन करें ना, जो ब्रेन एक्टिविटी अगर आप स्कैन करें इन लोगों का, जो परसेप्चुअल टाइप्स हैं, जो डिफरेंट क्रिएटिव टाइप्स हैं, जिनकी ओपननेस बहुत ज्यादा है, पेंटिंग में जो सबसे बहुत ज्यादा है, बोलते बहुत हैं, सोचे समझे बगैर बोलते हैं, हर चीज के बारे में इंक्वायर करते हैं, एक्टिव बहुत हैं, जिसको हम घर में बच्चों को कहते हैं इनको सुकून नहीं है बैठते हुए, तो हर वो कभी कहीं फिर रहे हैं, कभी कहीं फिर रहे हैं और बिला वजह बोलते हैं। जब आप उनके ब्रेन स्कैन देखें तो उनका जो प्रोसेस है, थिंकिंग का प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा स्लो है इन कंपेरिजन टू अदर पीपल। तो लेकिन ये जो स्लो प्रोसेस है ना, ये ही स्लो प्रोसेस बहुत सारा बहुत डेलिबरेट भी है, कि वो 5, 7, 8 चीजों को जो ना वो इकट्ठा सोचते हैं कि इनको आपस में मिक्स करके वो नई चीज कैसे बना सकते हैं। और ये जो मिक्सचर है ना, ये जो क्रिएटिविटी है, ये इंसान को स्लो कर देते हैं। अगर आपने जहीन बच्चे क्लास में देखे तो 3, 4, 5 के बच्चे हैं, उनकी जो मेमोरी है ना वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, उनकी जो कनेक्शन के लिंक्स है वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो मगर आप उनको अगर कोई बुक भी दे देना, तो हफ्ते बाद वही बुक पढ़ के आपको उसकी कुछ समरी दे देंगे, असाइनमेंट उसी तरीके से बनाएंगे, टाइम पे सबमिट करेंगे। जो स्लो बच्चे हैं ना, वो बेसिकली अगर उनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होगी, उनकी प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर उनसे जनरली उन टॉपिक के ऊपर क्लास सेशन डिस्कशन करें, तो वो आपको ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज देंगे और ऐसे फनी आइडियाज देंगे, और उसकी टॉपिक की इंटरप्रिटेशन इतनी डिफरेंट है कि आपको खुद ही लगेगा कि ये इतना स्लो क्यों है, क्योंकि उनका ना टॉपिक के अलावा हर तरह ध्यान। और यही जो फैक्टर है ना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जो है अपने अराउंड एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्या फला जगह वो बैठा हुआ है, फला जगह वो बैठा हुआ है, तो ये 4-5 बंदे ये काम मेरा ये कर सकता है, वो काम ये कर सकता है, ये काम वो कर सकता है, तो वो इन द एंड वो 3-4 बंदों को यूज करके जो एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, वो उसमें अवेल कर लेते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान ही यही होता है कि वो नोट करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट स्कैन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये काम नहीं करते, इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो है ना आईक्यू स्कोर के ऊपर उनका उनसे कम होता है, जो जनरली प्रोफेसर होते हैं और जो लॉयर्स होते हैं या मैथमेटिशियंस होते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि एक रिसर्च हुई है जिसमें जो है ना रीडिंग क्योंकि अगर आपका आईक्यू 130 या उससे अबव है और 130 है, तो आपके लिए कौन से प्रोफेशन सूटेबल है, तो हाईएस्ट आईक्यू उनको जो लॉजिकल जंप्स की आदत होती है, उससे कम आप फिर लॉयर्स में चले जाते हैं, फिर इंजीनियर्स में चले जाते हैं, डॉक्टर्स में चले जाते हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड टास्क असाइन करने होते हैं, जिनकी विजुअल स्पेशलाइजेशन अच्छी होती है, जिनको लॉजिकल और वर्बल स्किल्स उनकी अच्छी होती है, उसके बाद अब नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। और ये याद रखें कि 110 और 130 के बिटवीन जो है ये आई थिंक 1 into 8 या 1 into 20, 20 में से एक बंदा इसके समझा होता है या 8 में से एक बंदा होता है, मतलब ये रेंज है 110 से 130 के रेंज। अगर आप किसी फील्ड में इससे भी ज्यादा तरक्की करनी है तो आपका आईक्यू उससे भी हाई होना चाहिए। तो इससे नीचे वाले बेसिकली मैनेजर बनते हैं, ड्रिफ्ट सुपरवाइजर बनते हैं, प्लम्बर्स, आर्टिस्ट और एक किस्म के लोग होते हैं। तो जिस तरह से आप नीचे आते जाएंगे ना, जो टास्क है उसकी रेपिटेटिविटी बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है, उसका आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि वो हर दफा नई चीज सोचे, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, रेपिटेटिव टास्क नहीं है। लेकिन ये जो नॉर्मल टास्क है, अगर आप कुछ क्लर्क हैं या आप पोस्टमैन हैं या आप प्लम्बर हैं, उनके लिए आपको एक ही किस्म के टास्क रोजाना करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको हाई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। तो ये जो टास्क है ना क्रिएटिविटी वाले और डिफरेंट चीजों को आर्टिस्टिकली सोचने वाले, इसके लिए आपको आईक्यू चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा आईक्यू है वो मैथमेटिशियंस क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है, लॉयर्स क्या होता है, इनका आईक्यू उसके बाद नीचे आता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि बेसिक उनका आईक्यू लेवल अगर प्रोफेसर के जितना नहीं भी है, लेकिन जो सक्सेस रेशियो होती है वो रिस्क ज्यादा लेते हैं। जब आप और ये प्रोबेबिलिटी का लॉ भी है, अगर आप 10 दफा कोई चीज ट्राई करते हैं तो आपको एक दफा सही होता है, तो अगर आप 100 दफा ट्राई करेंगे तो 4-5 दफा ठीक हो जाएगा। तो इसी वजह से जब एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट आइडियाज आते हैं, उनमें से 10 फेल होंगे तो एक काम भी तो करेगा ना, तो इन जनरल वो सक्सेसफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जिन्होंने नॉर्मल लाइफ चूज की होती है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, केयरफुलनेस, कॉशियसनेस, ये सारी चीजें जो है ना उन लोगों के जो जॉब प्रेफर करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, बात याद रखिए, और इसमें कोई सिग्मा नहीं है, हर टाइप का इंटेलिजेंस में चाहिए होता है, अगर हर बंदा इंटेलिजेंट हो
तो जूते कौन ठीक करेगा, मतलब कार कौन ठीक करेगा, सही बात। प्लम्बर कौन ठीक करेगा, तो उनका अपना गिफ्ट है, उनका अपना गिफ्ट है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक चीज है कि वो जो कॉमनली बिलीव के उनका आईक्यू लेवल कम होता है, लेकिन क्रिएटिविटी लेवल ज्यादा होता अच्छा सर, अगर हम देखें जो सीईओस हैं कंपनी के, नॉर्मली वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। वो अभी आप पहले बता भी रहे थे कि अगर आपने सीईओ बनना है तो आपको काफी टफ होना पड़ेगा, तो उनको देखते हैं टफनेस के साथ साथ उनकी एजुकेशन बड़ी मैटर कर रही होती है। लेकिन जब हम प्योर एंटरप्रेन्योर की तरफ आते हैं तो वहां शायद इतनी एजुकेशन मैटर नहीं कर रही, उसके डिसीजन मेकिंग मैटर कर रही है, उसका एक विजन मैटर कर रहा है। तो यहाँ आप इन दोनों पोजिशन में एजुकेशन को कहाँ लेके आ रहे हैं, या देखिए। उसकी इंपॉर्टेंस को कहाँ लेके आ रहे हैं? जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे क्लैरिफाई इसको इस तरह से करना चाहिए कि सीईओज वाले में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके जहन में फॉरेन सीईओज है, ब्लैकबेरी के सीईओज हो गए, गूगल के सीईओज हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, और एजुकेशन कल्चर बहुत डिफरेंट है वेस्ट में और ईस्ट के अंदर। तो वहाँ पे जो एजुकेशन है ना, बेसिकली एटलीस्ट जो प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन है, एमबीए है, बैचलर प्रोग्राम्स है बिजनेस के, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एमबीए है, वो आपको करने ही तब पड़ती है जब आप उसके लिए एलिजिबल ही तब होते हैं जब आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, आपका कोई वेंचर हो, आपका स्टार्टअप हो, आपका आपका कोई आइडिया हो, फिर आपका फील्ड वर्क वहाँ पे ज्यादा है, रिसर्च पेपर्स और रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्ट और फॉर्मेटिव असाइनमेंट्स, ये जो है ना वहाँ पे इसमें कल्चर नहीं है, वो आपको ऑन ग्राउंड आपको काम देते हैं। जब हम कहते हैं कि वहाँ पे सीईओ के पास एजुकेशन है या नॉलेज है, तो बेसिकली वो उसी इंडस्ट्री के फील्ड से ही आ रहे हो, हमारा तो उनका प्रोसेस नहीं होता कि आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया, वहाँ से आप कॉलेज में गए, कॉलेज से फिर आप यूनिवर्सिटी में गए, टोटल एकेडमिक आपका एक ट्रैक है, लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, वहाँ पे लोग काम करते हैं, इवन हाई स्कूल में वहाँ पे एक कल्चर है कि आप समर जॉब ही कर रहे हैं, इवन कि अगर आप स्कूल में हैं तो अगर आपकी गर्मियों की छुट्टी है तो आप कहीं ना कहीं जाके जॉब करेंगे, कुछ पैसे बनाएंगे, वो कल्चर को कंपेयर करना बहुत जो ना एक एप्पल एंड ऑरेंज है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है ना वो आपके सिर्फ लिमिटेड है सर इन द आपकी सेंस कि आपके वीडियो, पास एक्सपीरियंस कितना है, वो जो एजुकेशन है वो भी बड़ी डिफरेंट है। एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट में पढ़ता था तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हुआ करते, तो मेरे पास हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज केसेस होते थे, रियल लाइफ केस होते थे डिफरेंट कंपनीज के, उसके अंदर आप डिफरेंट टीम्स बनाते थे, आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती थी कि आप इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, फिर आपने उसको डिफेंड करना है इन्वेस्टर्स के सामने, वेंचर कैपिटल्स के सामने। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये हमारे एजुकेशन में इतनी नहीं है जितनी उनकी एजुकेशन में, तो सिर्फ ये कि अगर वो एजुकेटेड है उसका ये मतलब नहीं है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ ये मतलब है कि अगर आप एजुकेटेड हैं भी सही तो आप जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और बट एंटरप्रेन्योरशिप आप के एक लिए तरीके दोनों से चीजें जरूरी सिस्टम को आप कह रहे हैं कि सिस्टम इस तरह का नहीं बना हुआ पाकिस्तान का, ये हमारा, कि हम उसके कंपेयर कर सकें, सिस्टम का भी फ्लॉ है। है। एग्जैक्टली, तो ये क्वेश्चन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जरूरी नहीं है कि एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आपके पास स्किल्स भी होंगी, यहाँ पे हमें दोनों डेवलप करने हैं, एजुकेशन भी, अवेयरनेस भी और स्किल्स भी। जब तक आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल इश्यूज का पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अक्सर एज अ जज इन्वाइट होता हूँ डिफरेंट पिचेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर,